ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। लेट्स जस्ट डू दैट पानी वाला डांस दोस्त। कुछ चीजों का स्वाद कभी नहीं बदलता ना, दिस इज वन ऑफ दोस। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज सिम डिम एंड वेलकम टू द सिम डिम वे। आज है मेरा सेकेंड वीडियो और उससे मुझे याद आया कि फर्स्ट वीडियो को आप लोग ने इतना सारा प्यार दिया। ऑलरेडी 200 सब्सक्राइबर्स हो गए, मुझे लिटरली लगा नहीं था कि, मेरे को लगा था कि फर्स्ट वीडियो में सिर्फ 10 सब्सक्राइबर आएंगे मुश्किल से, बट 200 हो गए हैं तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। प्लस व्यूज भी काफी अच्छा है, टचवुड, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। आज है मेरा सेकेंड वीडियो, तो सेकेंड वीडियो के लिए भी मुझे कुछ थोड़ा सा हटके ही करना था। तो आई हैव डिसाइडेड टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी टू माई मॉर्निंग वॉक सेशन, क्योंकि आज वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज मैं जाने वाली हूँ नेशनल पार्क। लेट्स टेक यू गाइज अलॉन्ग एंड लेट्स कॉल दिस कम अलॉन्ग विद सिम डिम। कपड़े वपड़े पहन लिया, एकदम चिंदी, नो मेकअप, मेकअप लुक कर लिया है। Let's get going. Also, जाने से पहले मैं बताती हूँ कि नेशनल पार्क का थोड़ा सा टेस्ट हम लोग को एक्चुअली घर पे ही मिल गया है। बिकॉज हमारे घर पे आए हैं बिन बुलाए गेस्ट। इधर गया, अरे ये रहा। हमारे घर पे ना वैसे तो पूरी जाली लगी हुई है, बट छोटा सा जाली का हिस्सा ना खोल के ये मिस्टर पोपटलाल जी पता नहीं अंदर कैसे आ गए हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तो इसको रास्ता दिखाए बाहर का। Let's just do that पानी वाला डांस दोस्त। उधर से जाना है ब्रो, उधर से, उधर इतनी सी जगह है, वहां से तुम्हें उड़ना है। आर्यन, आप हमारे साथ जाने के लिए कितना एक्साइटेड है? मतलब 6 महीने नीचे उतरना पड़ेगा बिकॉज अपेरेंटली लुक खराब है। यार मेरे ब्लॉग में ना स्टार्ट होता है कुछ एक्साइटिंग कैसे हो सकता है, मतलब आज ही लिफ्ट को खराब होना था। Check the mic and make sure it sound right, boys. नेशनल पार्क जाना है, नेशनल पार्क हो रही है। थैंक्स टू द ट्रैफिक गॉड, आज हमें ट्रैफिक नहीं मिला। अब गाड़ी उठ रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेशनल पार्क और अच्छे से एंट्री भी मिल गई है बिकॉज मैं थोड़ा स्ट्रेस थी कि कहीं बंद हुआ कुछ हुआ। वैसे मुझे पता था चालू रहेगा बट फिर भी जस्ट यू नो एक होता है। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं, इतनी ग्रीनरी है, इतना मजा है। लेट मी शो यू अराउंड। अरे रास्ते है ना झरना, छोटा सा झरना, अभी तो ऐसे बहुत दिखेंगे, मजा आएगा। रीजन जिसलिए मुझे आपको कम अलॉन्ग विद सिम डिम में नेशनल पार्क लाना था इज हियर। देयर इज अ प्रिटी डैम और कितना सारा पानी है, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश में होता है। इसके लिए हाउ कोविड हैज मेड अस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। पहले हम नॉर्मली यहाँ पे आ जाते थे और अब ऐसे लग रहा है हाय जन्नत, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज।
यहाँ पे थे, हम यहाँ आ गए पानी के पास। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करने में बड़ा मजा आएगा। हमें कान्हेरी केव जाना था लेकिन वो प्लान थोड़ा सा हो गया बिकॉज 8:30 ऑलरेडी हो गया, 9:30 पार्क बंद हो जाता है और हमें जाने आने में काफी टाइम लग जाएगा। अब आपको मिलते हैं जब हम कृष्णागिरी पहुंच जाए, विच इज लाइक अ रेलवे ट्रैक टाइप, आपको दिखाऊंगी, मजा आएगा। यार आ जाना, मजा आ गया। लाइक काश हर सुबह ऐसी हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, एक सुबह तो ऐसी है। साइकिल लेने का मन था, जैसा मैंने आपको बोला कन्हेरी केव जाना था, बट ठीक है यार फिर से आ जाएंगे। इसमें क्या है, हमेशा कुछ है ना छोड़ के जाने का, ताकि नेक्स्ट टाइम आने का एक्साइटमेंट भी बना रहे। और यस, अब हम बाहर की तरफ हेड। पागल जैसे हो गई मैं, कैरी और काकड़ी स्पॉट कर पा रही हूँ। अरे यार एक गड़बड़ कर दी मैंने, कि मैं सैनिटाइजर लाना भूल गई। इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है क्योंकि अभी बाहर जाते ही हम मेडिकल से ले सकते हैं, लेकिन छोटा सा गड़बड़ ये है कि वहाँ पे एक्चुअली एक कैरी स्लैश जो भी होता है काकड़ी वाली थी, लेकिन वो खा नहीं पाए क्योंकि सैनिटाइजर नहीं है। तो सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे तो खाएंगे कैसे। तो आर्यन आपको कितना मजा आया आज सुबह? मजा आया, वापस आने वाले हम कल परसों। वाह कल परसों। मैं ठाकुर विलेज में हूँ कांदिवली में, और ये मेरा फेवरेटेस्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट है मतलब मुंबई का। मेरे को इतना मजा आता है ना यहाँ पे आके, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे वेराइटी मिलते हैं। और अभी मैं खा रही हूँ फेवरेट डोसा, कांट वेट टू डिग इन। मैं ये भी आई थिंक एक साल बाद ऑलमोस्ट खा रही होंगी, तो खाती हूँ, मजा आएगा। Check the mic and make sure it sound right, boys. Itna bomb hai na, jannat ki prapti. नेशनल पार्क के बाद ये रियल सुकून है, मजे आ रहे हैं। डोसे की पेट पूजा तो हो गई है, अब आ रही है मिसल और मुंबई स्टाइल, महाराष्ट्र स्टाइल ब्रेकफास्ट की। तो पहले ना यहाँ पे एक मिसल वाले अंकल होते थे, देखिए डोसे वाले के जस्ट बाजू में ही होते थे, बट अब सुनने में आया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और ये सब ऐसे बार बार स्टॉल्स हटाते हैं वगैरह वगैरह, तो शायद से ऐसा पता चला है कि ये जो मिसल, क्या कहते हैं, ये जो मिसल शॉप आप पीछे देख रहे हो, ये उन अंकल ने ले लिए और अब वो यहाँ पे बेचते हैं मिसल। तो अभी मैं जा रही हूँ देखते कि कोई वाले अंकल है या नहीं है। एक मुझे ना साबूदाना खिचड़ी देना और एक नॉर्मल मिसल जो आती है ना, नॉर्मल मिसल पाव मीडियम। ये वही स्टॉल है क्या जो बाहर में मिलते हैं अंकल? वही है कि भी प्रमोशन हो गई। मिसल और साबूदाना, जन्नत जन्नत कॉम्बिनेशन। जन्नत आर्य लेके आ गया। It sounds right, boy. Damn!
मन कभी नहीं बदलता ना, दिस इज वन ऑफ दोस। खाओगे अपने मन को तसल्ली देते हुए, खाओगे दिल से खाओगे। और अगर आप तभी देख रहे हो तो आप कुछ नहीं खा सकते। आर्यन जी खाएंगे तो पेट पूजा हो गई है। थैंक यू बॉम्बे मिसल कंपनी, पार्सल भी ले लिया है क्योंकि मम्मी को खिलाएंगे। अगर पापा गए नहीं होंगे तो पापा को भी चखा देंगे। अब रिक्शा ले रहे हैं, घर जा रहे हैं। पेट पूजा हो गई है और बहुत मजा आ गए भाई। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी सुबह हुई है लाइफ में, जन्नत स्पेशल ऐसी। मतलब है ना, ये सारी चीजें मैं इतनी रेगुलरली करती थी नॉर्मल लाइफ में कि इसका वैल्यू ही नहीं पता था। और अभी कोविड के बाद जब फाइनली एक डेढ़ साल बाद ये सब हो रहा है, मजा आ रहा है। अब रिक्शे वाले अंकल को रुका दिया मेरे भाई ने, अब पटपट चलना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखा खाने के बाद इसकी आवाज कितनी तेज निकल रही है। खाने का होता ही ऐसा है यार, मजे दिला देता है। व्लॉग एंड करूंगी वो, मैं घर पे भी वापस आ गई, लेकिन मुझे कौन मिला? देखो दोस्तों, सर अभी तक इधर ही है यार। अब हम इसे कैसे हटाएं समझ नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं उड़ रहा ब्रो, तू पैरेट है, तेरे उड़ सकता है, तेरे पास पंख है, हमारे पास तो है भी नहीं, हम सब पे उड़ना चाहते हैं। क्या सा पैरेट है भाई, उड़ना भौंकी ले। बेसिकली हम लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो तोता है ना, ये किसी का पालतू तोता होगा, बिकॉज ये बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है, ये सिर्फ यहाँ से वहाँ चल रहा है। एंड यूजुअली वैसे तोते लाइक मतलब वो लोग अपने केज में यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, तो इसके लिए वही आदत होती है इनको। अभी ये है ना पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कैसे भी ये जाली वाली काट के घर में आ जाए, बिकॉज इसने वही एटमोसफियर देखा होगा मे बी, बिकॉज केजेस घर में ही होते हैं। बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अब जैसे मैंने यहाँ से पूरी ना जाली खोल दी है ताकि ये किसी भी तरह से उड़ के चला जाए, बट ये एड़ा उड़ता ही नहीं है ब्रो। कैसा कैसा तोता है जो उड़ ही नहीं पाता। इस इतनी सी बात पे मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि जैसा हमें सोसाइटी बनाती जाती है, हमें दो ही विश्वास हो जाता है कि हम भी वैसे ही हैं। जैसे कि ये तोता ही मेंट टू फ्लाई, लाइक उसके पास विंग्स है, सब कुछ है, बट जस्ट बिकॉज कि इसे केज में रखा था, इसे सिखाया गया कि नहीं तू केज में ही रह सकता है, तू बैठा ही रह सकता है, तू सिर्फ चल सकता है, तो अब ये सिर्फ चलता है लाइक मतलब, जबकि उसके पास विंग्स है वो उड़ सकता है। वैसे ही आपके पास विंग्स है, आप उड़ सकते हो, खाली लोग आपको बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट हो ना। फाइनली निकल गया वो बाहर। पर पता है हम लोग ने ये जाली पूरी खोली पर वो इधर से गया ही नहीं, वो जहां से आया था वहीं से गया, ऊपर कहीं से वो आया था। इसके ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर से कहीं से छोटा सा खुला जगह है, वहां से आया था, और अभी भी ना वो बाहर जा गया है, लेकिन वो चढ़ चढ़ के गया है किसी तरह, और अभी वो बाहर जाने के बावजूद भी सिर्फ चढ़ ही रहा है जाली पे, ये नहीं कि उड़ जाए। यार इसकी आइडेंटिटी जिसने भी लूज कराई है ना, वो बहुत ही सड़ेले है। बस 2 मिनट की खुशी के बाद जैसे ही हमने रिजॉइस करा कि अरे चला गया, वैसे ही वो वापस भी आ गया। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए महानुभव जी वापस से आ चुके हैं। ओह गॉड, जैसे ही हमने सोचा कि हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, अभी उनको देंगे फाइनली। ऐसे मैं 10 मिनट इधर उधर हुई भी नहीं एक्चुअली, मैं बस ऐसे बैठी थोड़ी देर, जैसे यहाँ देखा उड़ जा काले कौवे, मतलब उड़ जा पंछी पैरेट, पता नहीं वो अपना ऊपर से कोई रास्ता देख के
उड़ गया, अब तो पैरट उड़ गया। फाइनली पैरट जी उड़ चुके हैं और हम भी घर पहुंच चुके हैं और मैं वीडियो को भी यहीं पे खत्म करने वाली हूँ। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस मॉर्निंग व्लॉग विद मी। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए विच पार्ट ऑफ द व्लॉग डिड यू एंजॉय द मोस्ट एंड आई विल सी यू ऑन संडे नेक्स्ट। मे बी मैं संडे व्लॉग्स या फिर वीडियोस जो भी मैं बनाऊंगी वो डालने का एक पैटर्न सोच रही हूँ। कॉमेंट बिलो टेल मी इफ आई शुड पोस्ट मोर ऑफ्टन या क्या, बट हाँ अभी जस्ट आई एम गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, ये मेरा सेकेंड वीडियो ही है। सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके रास्ते आने वाले हैं। एंड या विद दैट सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।